वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 14 देखने वाले हैं। आज हम इसके अंदर साइंस और मैथ दोनों की वर्कशीट देखने वाले हैं। ये 5th ऑफ अगस्त की वर्कशीट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। साइंस की आज जो वर्कशीट है उसमें हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में। ये सारे के सारे हमारे बेसिक टॉपिक होंगे। ये अंडर द हेडिंग ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ही है, तो उसी का ही कॉन्टिन्यूस टॉपिक है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सो जैसे नाम है कैल्शियम CA, ऑक्सी मतलब O, क्लोराइड मतलब Cl2। सो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बनता है? जब इसके अंदर स्लैक लाइम के अंदर, ये स्लैक लाइम का फॉर्मूला, स्लैक लाइम के अंदर हम क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं तो जो फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में होता है वाटर H2O। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। प्रॉपर्टीज, ये येलोइश, पेल येलोइश कलर का होता है और इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है और साथ में ही ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ इसके यूजेस भी देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। जैसे कि आपको पता भी होगा ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लीचिंग कॉटन के लिए, लिनन्स के लिए और साथ में पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है और क्लॉथ इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये तो हो गए ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस। आइए चलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में। दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, जो नेम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो जाता है। अगर इसका आप केमिकल नेम याद रख लें तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद रख लें तो केमिकल नेम याद हो जाता है। तो बहुत ही रिलेटेबल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला है। बनता कैसे है? ये सोडियम क्लोराइड के साथ बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl को, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर इसको हम रिएक्ट कराएं तो NaHCO3 फॉर्म होता है। बेकिंग पाउडर इसके आगे काम करता है, मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, मतलब NaHCO3, उसके अंदर जब हम एक एसिड ऐड करते हैं, यहाँ पर टेट्रिक एसिड लिखा है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। तो ये इन अ वे उसका एक बाय प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप मेजर डिफरेंस देखेंगे तो ये एसिड के साथ है, ये बिना एसिड के है। दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है NaHCO3। कुछ यूजेस देख लेते हैं बेकिंग सोडा के। आपको पता है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों के दोनों फूड इंडस्ट्री में काम आते हैं, फूड मेकिंग, एडेड इन फूड फॉर फास्टर कुकिंग, क्रिस्प पकोड़ास बनाने के लिए, पकोड़ा बनाने के लिए। और अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा हो, वो जो कई जगहों पे मूवी हॉल्स में लगा होता है, मेट्रो में भी लगा होता है, तो उसके अंदर भी बेकिंग सोडा यूज होता है और एंटासिड की तरह यूज होता है ये, और साथ में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ये यूज होता है। ये हमारा पहला इसका यूज है। आइए चलते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा 3 प्रोसीजर से बनता है। पहला है सोडियम क्लोराइड, हीटिंग बेकिंग सोडा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तभी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट ये फॉर्मूला है और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखें तो इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट तो है आपके पास ये रहा, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग वाटर। तो जहां पे आप देखेंगे 10 H2O यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर,
सॉरी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक है, इसका मतलब होता है ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मॉइस्चर जो होता है वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट जो है वो मॉइस्चर एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसकी प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन की वो यूज कर पाता है उसको वापस किस फॉर्म में आने के लिए, वॉशिंग सोडा के फॉर्म में आने में। दूसरा है हीटिंग बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है, अगर आप ऊपर देखें, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर था NaHCO3। तो NaHCO3 अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फॉर्म हो रहा है वाटर और यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रोसीजर से भी हम वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके कुछ यूजेस भी दे रखे हैं। यहाँ पे क्लींजिंग एजेंट भी होता है, क्लीनिंग एजेंट इन ग्लासेस, सोप, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी हम इसके दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, इनके आंसर मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और उसके बाद हम देखेंगे मैथ्स की वर्कशीट। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले वर्कशीट नंबर 14, 5th of August की ये वर्कशीट है। हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम मिल्टन स्ट्रेटिंग भी कहते हैं, फेमस नाम वो है। ये क्लास 10th की वर्कशीट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, अगर रिवाइज करना हो तो आप वो वर्कशीट जाके जब रिवाइज करें तो आपको ये वर्कशीट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे 100x² - 20x + 1, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको हमने मिडिल्टन स्प्लिटिंग या हम कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया 1 × 100, 100 हो गया, तो हम इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। किसके? 100 के। 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20, 10 × 10। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है जो चीज हमें प्लस या माइनस करने पे हमें -20 देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और कोई यहाँ पे ऑप्शन ठीक नहीं है, 10 और 10 मतलब 10 + 10 = 20 होता है, बट हमें क्या चाहिए? -20। तो हमने क्या लिखा है? -10 और -10, -10 - 10 इज -20। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं -20x को मैंने लिख दिया -10x, -10x। अब पहली दो टर्म में से मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 10x, और दूसरी दो टर्म में से हमें -1 कॉमन आ रहा है तो 10x - 1। ध्यान रखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम होना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है मतलब आपने कुछ ऊपर गलत करा है, तो उसको अब वापस ठीक करें। तो ये आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब या तो पहला टर्म 0 है और या तो दूसरा टर्म 0 है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, 1/10, बोथ द रूट्स आर सेम। आइए चलते हैं सेम मेथड की मदद से हम कर लेते हैं बी पार्ट। हमारा बी पार्ट है 6x² - x - 2 = 0। तो सेम मेथड, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 के फैक्टर्स निकाले और हमें क्या चाहिए बीच में? -1, अगर कुछ नहीं है तो -1 चाहिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 और 3 1 होता है, लेकिन -1 कैसे होगा? 3 - 4 मतलब माइनस का निशान जो होगा वो 4 के साथ होगा। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है -4x + 3x, इसी वजह से इसको कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले दो में से कॉमन लिया, बाकी दो में से कॉमन लिया, तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्रैकेट है वो एकदम
मैच कर गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब पहला टर्म इक्वल टू जीरो और दूसरा टर्म इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1/2, तो दीज आर द रूट्स। सो ये हमारा हो गया बी पार्ट। आइए चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ये हमारा सी पार्ट है 2x² + x - 300 = 0। अब इस केस में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और बीच में क्या चाहिए, +1, मतलब गैप बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे 2 और 300 के बीच में जो गैप है वो 298 का है, जो बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए मैंने ना इसको 3 से देखा ना इसको 4 से देखा, तो मैं सीधा जंप कर गया 10 पे। तो 10 × 60 भी क्या है, बहुत बड़ा है। बीच में कितना गैप है, 50 का गैप है, हमें 1 का चाहिए। तो मैंने और थोड़ा जंप मारा 20 पे, देखा 20 × 30 मैंने देखा, तो बीच में कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ज्यादा आगे मत बढ़ना, तो मैंने 25 देखा, 25 × 24 भी 600 होता है, जिसका जो गैप है वो 1 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेथड समझ में आया होगा कि अगर गैप बहुत ही छोटा हो बीच में यहाँ पे और प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो, तो हमें थोड़ा सा जंप करके आपको नंबर्स चेक करने चाहिए, कहीं पर बीच में जाके आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे +1 चाहिए, तो 25x - 24x लिख दिया। यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स आ गए और दोनों को इक्वल्स टू जीरो रखा, तो आपके दो आंसर आ गए। एक्स का आंसर आ गया -12/1/2 और एक्स का आंसर आ गया 12। तो आपके ये दो रूट्स हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसने बोला था सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो देखो मैंने पहले भी ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करा था, दो नंबर दिए तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इक्वल टू 27। मुझे नहीं पता मैं किसको एक्स लूं, तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 182। सो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू 182। हमेशा इस केस में दूसरा नंबर एक्स लेने में आसानी रहती है, तो मैं सेकेंड नंबर को एक्स ले लेता हूँ। सो फर्स्ट नंबर प्लस एक्स इक्वल टू 27, तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू आ गई वो 27 - x हो गई। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में हो तो आसान होता है। तो चाहता तो मैं एक्स और वाई भी ले सकता था, बट उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 27 - x हो गया। अब दोनों को मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर इक्वल टू 182। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं जो x² का जो कोफिशियंट होता है, जो आगे वाला नंबर होता है, वो हम पॉजिटिव रखते हैं। तो मैंने सब कुछ राइट साइड पे ले गया, ताकि -x² बन जाए +x², 27x हो गया -27x, और 182 तो पहले से ही वहां था, तो उसको कुछ चेंज नहीं होगा। तो घबराए नहीं, अगर जीरो पहले आ जाए तो बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। अब मैंने इसको नॉर्मल तरीके से जैसे पहले करा था, 182 के मैंने फैक्टर्स निकाले और देखा कि 27 - 27 कहाँ आता है। तो फैक्टर्स निकालने के बाद पता चला कि 14 + 13 27 देता है, और 14 × 13 182 देता है, बट हमें तो चाहिए था -27, तो मैंने लिया है -14 - 13। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी और फैक्टर्स कॉमन ले लिए, और यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, तो हमारे एक्स के दो आंसर आ गए 14 और 13। अब पहला नंबर या तो 14 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा पहली इक्वेशन में, तो दूसरा नंबर 14 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। तो नंबर्स आर 13 एंड 14 और 14 एंड 13। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी लास्ट लाइन, क्योंकि पहला नंबर 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, दूसरा नंबर 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें। सो जो बाकी जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करें, और आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ।